मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि राज्य सरकार विकास से विजय के नाम पर ऐतिहासिक पड्डल मैदान में रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस रैली में प्रदेश भर के लोग बड़ी संख्या में भाग लेंगे। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी को लेकर की जा रही बातों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को राहुल गांधी के नाम का फोबिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनती है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी बिहार गए और वहां भी सरकार बनाई थी। ये कहना है कि मोदी की लहरी महाराष्ट्र में चलेगी, मोदी की लहरी महाराष्ट्र में कोई असर नहीं है, इनके नोटबंदी से लोग दुखी हैं, कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, यहां तो लाख लोगों को भी रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी वो में नहीं दिया है, इस मसले में भी फेल हुए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे उसे पूरा नहीं किया जा सका है। आज भी लोग रोजगार के इंतजार में हैं और हिमाचल प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए केंद्र ने जो वादा किया था वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में कोई मोदी लहर नहीं है, यहाँ एक बार फिर से कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी। ए, ए, ए भी उनके इनको फोबिया बैठा हुआ है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं जीते हैं। बिहार में हमने सरकार बनी है, राहुल ने वहां कंपेनिंग की है, विकास से विजय ये रैली होगी। और निश्चित तौर पे क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने, वीरभद्र सिंह सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास के काम बहुत ज्यादा किए हैं, थोक में किए हैं, और हिमाचल प्रदेश की जनता विकास को वोट देती है।